भाई ठहरो भाई। देखिए मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछिए। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने रब्ता किया। बाकी लोगों का पैगाम मुझे मिला है, वो पैगाम हमारे सेनेटरों को अगवा करने की शक्ल में सरदार साहब की तरफ से हुआ। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई। सरदार साहब बतौर एहतजाज क्या आप कौमी असेंबली में दोबारा भी वापस जा सकते हैं ताकि आप वहाँ पर अपनी ये आवाज़ उठा सकें, जिस तरह के आपके अरकान को बड़े ईवान से ईवान बाला से गायब किया गया है ताकि कहीं तो आपकी आवाज़ मौजूद हो? मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ईवान में जो नहीं उठ पाती, वो मैंने पहले ही कह दिया कि जो एक फैसला जो मैं करता हूँ भाई ठहरो यही बस।